प्राचीन कालों में जो वेदों की संकलन और विभाजन करते थे उन्हें व्यास कहलाया जाता था। हमें इस तरह से 29 व्यास की नाम विष्णु पुराण में मिलती है, जिनमें से रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि जी के नाम भी मौजूद है। हालांकि जो भी वेद की संकलन और विभाजन करते हैं उन्हें व्यास कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम व्यास बोलने पर एक ही आदमी को पहचानते हैं, वो है महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी। कृष्ण द्वैपायन व्यास, कृष्ण क्योंकि वे काले थे, द्वैपायन क्योंकि उनके जन्म एक द्वीप में हुआ था, व्यास मतलब संकलन करता। उन्होंने वेद को चार हिस्से में बांटा, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वे एक चिरंजीवी भी है। हालांकि वे महाभारत के रचयिता के रूप में सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि महाभारत ही उनकी इकलौती कीर्ति नहीं है, उनकी सबसे पहले कीर्ति वेदों की विभाजन ही है, और ये विभाजन इतनी आसान नहीं। आज के ये चार वेद पहले एक ही होती थी, जहाँ पे मंत्र, गीत और यज्ञ कर्म एक साथ थे। उनमें से वेद व्यास ने सबको अलग अलग करके सजाया और वेद को चार हिस्सों में बांटा, ऋग, साम, यजुर् और अथर्व। संकलन और विभाजन का ये काम उनके पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें विष्णु पुराण में इन 29 व्यासों की नाम मिलती है। पर वेद व्यास जी ने उन असमाप्त काम को समाप्त किया, इसलिए बाकी 28 को पीछे छोड़ के वे प्रधान या सबसे लोकप्रिय व्यास बन गए। उनकी ये प्रसिद्धि की और भी कई कारण थे। वे सिर्फ वेदों की विभाजन करके ही नहीं रुके, वेद को प्रसार और प्रचार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने उनके चार शिष्यों के माध्यम से वेद को और वेदों की उपयोग को लोगों में प्रसारित किया। इन चारों शिष्य को एक एक वेद की ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले को प्राप्त हुआ ऋग्वेद, जैमिनी को प्राप्त हुआ सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और सुमंतु को अथर्ववेद। इन चारों के सिवा भी एक जन को पूरा वेदों का ज्ञान था, वे थे ऋषि व्यास के पुत्र सुखदेव। वेदों का अध्ययन पूरा होने के बाद इन चारों शिष्य ने वेद व्यास से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि ये ज्ञान सिर्फ उन चारों और व्यास पुत्र सुखदेव के बीच ही सीमित रहे, यानी इन पांच जन के सिवाय किसी भी व्यास छात्र को ये ज्ञान न मिले। और कोई ऋषि इस अनुरोध को कैसे लेते ये नहीं पता, लेकिन वेद व्यास जी ने इस परिस्थिति को बहुत ही समझदारी से संभाला। उन्होंने कहा, मैं और कोई शिष्य को ये ज्ञान दूं या ना दूं ये अलग बात, लेकिन वेद ज्ञान को सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे हर एक तक पहुंचना चाहिए। बल्कि मैं तुम लोगों को वेद प्रसारित करने की सुझाव देता हूं। इस ज्ञान को तुम और तुम्हारे शिष्यों के जरिए आगे ले चलना पड़ेगा। मतलब वे खुद किसी और नए छात्र को वेद ज्ञान तो नहीं देंगे, लेकिन उनकी इन पांच शिष्य के जरिए वेद प्रसारित हो जाएगा। इसके पहले वेद ज्ञान को गुप्त रखा गया था। एक तो ये आत्मोपलब्धि के ऊपर था और दूसरा सिर्फ सच्चा दयावान ब्राह्मण को ही दिया जाता था, ये वेद की नीति थी। परंतु वेद व्यास जी कुछ और चाहते थे। वेदों को चार वर्ण के लोगों को ही सुनना चाहिए। जो सदाचारी, दयालु और परम ज्ञानी ब्राह्मण है वे उन सब में आगे रहेंगे। वेद व्यास जी दिल से चाहते थे कि वेद समाज के सभी लोगों में प्रसारित हो। चलिए उनकी जन्म कथा एक बार सुन लेते हैं। एक दिन ऋषि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए तट पे आए, लेकिन उस वक्त नाव पे मल्ला निषाद के जगह सत्यवती मौजूद थी। सांवले होने से भी वो बहुत खूबसूरत थी। ऋषि पराशर उस रूप से प्रभावित होकर उनके नाव में उठे और निषाद राज के अनुपस्थिति के कारण पूछा, जिसके जवाब में सत्यवती ने कहा, मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ, पर मुझे लड़की देखकर ये मत समझेगा कि मैं आपको उस पार पहुँचा नहीं पाऊंगी।
आपके जैसे हजारों को पार करा सकती हूँ मैं। ऋषि पराशर इसे सुनकर प्रभावित हुए और नाव को आगे बढ़ाने को कहा। नाव पे सैर करते समय पराशर सत्यवती की सुंदरता पे बहुत ही आसक्त हुए और उनसे एक पुत्र की कामना की। सत्यवती भी उनके मोह में आके सहमति दी। फिर यमुना में गहरा कोहरा के बीच में उन दोनों की मिलन हुई, जिनका परिणाम यमुना के एक द्वीप में द्वैपायन का जन्म हुआ। पिता ऋषि पराशर के चमत्कारी बल पे वे जल्द ही बड़े होकर उस द्वीप से पिता के साथ चले गए। जाते जाते वो ये भी कह गए कि जब भी माता सत्यवती उन्हें कोई काम के लिए बुलाएंगे तो वे अवश्य आएंगे। व्यासदेव के अनुसार ब्राह्मण पिता के औरस और ब्राह्मण माता के गर्भ से जन्मे संतान ही केवल ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक परम ब्राह्मण को परम ज्ञान, दया, त्याग, धर्म और सदाचारी होना पड़ेगा। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से उन्होंने कहलाया, मैंने आदमी के गुण कर्म के अनुसार चतुर्वर्ण को सृष्टि किया है। महाभारत से हमें ये ज्ञात होता है कि वे खुद भी तथाकथित जन्मानुसार प्योर ब्राह्मण नहीं थे। वे जितने बड़े एक ऋषि थे उससे बड़े कवि और उससे भी बड़े एक इंसान थे। उन्हें पता था कि उनकी माता के पति हस्तिनापुर नरेश राजा शांतनु थे। उन्हें भीष्म के बारे में भी पता था, लेकिन फिर भी बिना कारण राजभवन में जाकर सत्यवती को माँ बोलकर शांतनु को अस्वस्ति में नहीं डाले। वे तब तक नहीं गए जब तक उनको बुलाया ना गया हो। जब अचानक सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर का अपुत्रक अकाल निधन हुआ, सत्यवती हजार चेष्टा करके भी भीष्म को सिंहासन पे बैठाने पर राजी न कर सके, तब जरूरत पड़ी व्यास की। तब तक वेद की विभाजन संपन्न हो चुकी थी। वे तब विख्यात ऋषि थे। समग्र भारत के वासी तब उन्हें एक बात पर वेद व्यास नाम से जानते थे। लेकिन तब भी जब वे भीष्म के मुंह पर अपनी माता सत्यवती की आह्वान सुने तो बिना हिचकिचाए चले आए। वे आकर माता के पैर छुए और इस बात पे आश्वस्त किए कि जो भी आज्ञा माता देंगे वो व्यास जी पूरा करेंगे। सत्यवती ने राज गद्दी के उत्तराधिकार लेकर संकट प्रकट किए। उन्होंने भीष्म के अक्षमता के कारण भी बताया। साथ ही साथ उन्होंने व्यास जी को अपने कर्तव्य का याद दिलाते हुए कहा, विद्यान, माता और पिता दोनों से पुत्र का जन्म होता है, अर्थात उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्र का स्वामी है, उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं है। विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसका भाई है, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई ही हो। पुत्र, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। इसके बाद सत्यवती ने व्यास को विचित्र वीर के दो पत्नी अंबिका और अंबालिका के सुंदरता, यौवन और पुत्र ना होने का दुख के बारे में बताया और सीधे सीधे ये कह दिए कि व्यास जी उन दोनों राजबधुए के गर्भ से संतान जन्म देकर हस्तिनापुर कुल परंपरा को रक्षा कर सकते हैं। व्यास थोड़े सोचकर राजी तो हो गए, पर एक शर्त भी रखी। विचित्र वीर की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार एक वर्ष तक संतान के लिए विधि पूर्वक व्रत करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। व्यास के चरित्र को समझना है तो ये उक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उक्ति से हमें ये पता चलता है कि अपनी माता से मिली हुई ये प्रस्ताव, जो कि एक आदेश भी कह सकते हैं, मिलते ही व्यास जी ने अंबिका और अंबालिका को संभोग के लिए राजी नहीं हुए। एक साल का व्रत मांगना इस बात का प्रमाण है। एक ऋषि होने के कारण
उन्हें ये बात आसानी से पता चल गया था कि भले ही ये एक माता के आदेश हो, लेकिन इसमें एक षड्यंत्र भी मौजूद है। वे इन सब से दूर रहना चाहते थे। एक विवाह में सामाजिक कर्तव्य के साथ शारीरिक मांग भी होती है, परंतु व्यास जी इस मिलन को नियोग प्रथा के अनुसार करना चाहते थे, इसलिए वे अंबिका और अंबालिका को इस व्रत से गुजरवाना चाहते थे ताकि वे दोनों मानसिक रूप से तैयार हो सके। परंतु सत्यवती इनसे सहमत नहीं हो सके, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन तब खाली था। भीष्म ना तो राजा बनने से राजी थे और ना तो कोई संतान उत्पन्न करने पर, और इधर राज सिंहासन ज्यादा दिन खाली रहने पर राज्य में संकट आ सकती है, प्रजाएं असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और बहुत सारे सवाल भी उठ सकते हैं वारिस को लेकर, जो राजमाता सत्यवती नहीं चाहते थे। इसलिए वो कहे, राजा के बिना राज्य में प्रजा लोग अनाथ महसूस करते हैं, सभी कार्य पर रोक आ जाती है। इससे बेहतर होगा यदि आप ये प्रचेष्टा करें जिससे मेरी दोनों पुत्र वधुएं शीघ्र गर्भ धारण करें। सत्यवती की इस जल्दबाजी की और भी एक कारण थी, भीष्म के बढ़ती उम्र। वो चाहती थी उनके पुत्र वधुएं जल्द ही संतान प्रसव करें ताकि भीष्म उन संतानों को ठीक से प्रशिक्षण दे सके। इस बात से वेद व्यास प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन वो अपनी माता की आदेश उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। तो फिर व्यास जी ने ये कहा कि उन रानियों को उनका बदसूरती बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तो वे काले थे, उस पर सर पे प्रकांड जटा राशि और मुंह पर लंबी दाढ़ी, उनके शरीर से भी बदबू आ रही थी। लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये सब नियोग प्रथा के अंग है। परंतु बेचारी अंबिका व्यास जी को देखकर डर के मारे आंखें बंद कर दी, जिसके दौरान उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधे बने। दूसरी रानी अंबालिका व्यास जी को देखकर डर कर फीकी हो गई, जिसके दौरान उनका पुत्र भी पांडु रंग का हुआ और उनका नाम भी हुआ पांडु। आश्चर्य की बात यह है कि लेखक के रूप में इस घटना को वर्णन करते वक्त उन्होंने राज रानियों के साथ सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने कहा कि दैव सुंदरी रानियां राजोचित सुख में अभ्यस्त है, इसलिए उन्हें ये भयानक दिखने वाले काले बदबूदार व्यक्ति की संगत पसंद नहीं आई, और यही कारण है कि अंबिका अपने सांस के दूसरे आज्ञा का पालन न कर सकी। यहाँ हमें ये भी याद रखना होगा कि व्यास जी जिस काले बदबूदार भयानक रूपी इंसान की बात कर रहे हैं वो खुद हैं। परंतु ये भी सच है कि वेद व्यास अंबिका और अंबालिका के इस बर्ताव के लायक नहीं थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ये कार्य नहीं करने आए थे। आए थे तो सिर्फ अपनी माता के आज्ञा पालन करने के लिए, मगर राजवधु अंबिका और अंबालिका ने उनकी ये रूप देखकर उनसे बात तक नहीं की। जब अंबिका ने दूसरी बार खुद न जाकर अपनी जगह एक दासी को भेज दिए, तब वो दासी की व्यवहार से व्यास जी प्रसन्न हुए, क्योंकि जो चीजें राजवधुए और राजकुमारिया ना बर्दाश्त कर सकी वो एक दासी आसानी से कर सकी। ना तो उसे दुर्गंध महसूस हुआ और ना ही वो जटाराशी बदसूरत लगी। परिणाम स्वरूप ये मिलन पिछले दोनों से बेहतर हुई और व्यास जी भी प्रसन्न हुए। व्यास जी ने दासी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो आगे जाकर और दासी नहीं रहेंगी, उनके गर्भ से एक बहुत ही ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। महाभारत की इस अध्याय का वर्णन करते हुए व्यास कहते हैं कि धृतराष्ट्र के जन्म अंबिका के गर्भ से हुआ, अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया और कृष्ण द्वैपायन का पुत्र हुआ विदुर। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे विदुर को ही सबसे करीब मानते थे। इन तीन पुत्र के विवाह समारोह में भीष्म भी ये कहते हैं कि शांतनु के वंश को पुनर्जीवित करने में उनके अलावा सत्यवती और वेद व्यास ने मुख्य भूमिका निभाई है। भीष्म की ये बात
एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर हम लोगों की दृष्टि आकर्षित करती है। भविष्य के भारतवंश के मूल आधार थे ये दो हस्ती, गंगा पुत्र भीष्म और यमुना के एक द्वीप में जन्मे कृष्ण द्वैपायन व्यास। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे, व्यास रानी सत्यवती के पुत्र। ये दोनों पक्ष ही भारत वंश की भविष्य के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई थी। एक ने अगली पीढ़ी के बीज बोया तो दूसरे ने उस बीज से निकली अंकुर को संभाल के पेड़ में बदल दिया। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद गंगा और यमुना, ये दो नदियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आर्यवर्त के इतिहास में। इन दो नदियों के वजह से ही उत्तर मध्य भारत का सभ्यता का प्रतिष्ठा हुआ और आगे भी बढ़ा। एक प्रकार से देखा जाए तो व्यास यमुना के प्रतिनिधि थे और भीष्म गंगा के, और वे दोनों ही कौरव और पांडव के पितामह कहलाए जाते थे। व्यास जी की भूमिका सिर्फ विचित्र वीर के वंश को आगे बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी के 100 पुत्र के जन्म में भी उनका परामर्श बहुत ही उल्लेखनीय था। गांधारी पांडु के पत्नी कुंती से पहले ही गर्भवती हुई, मगर कुंती पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म गांधारी के प्रसव से पहले हुआ। ये खबर सुन के गांधारी बेचैन होकर अपनी गर्भपात करा दी, मगर इस जल्द गर्भपात के कारण उनकी लोहपिंड जैसा कठिन एक मांस के गोला का प्रसव हुआ। ये खबर सुनते ही व्यास वहां पहुंचे। गांधारी तब व्यास जी के दिए हुए 100 पुत्र के वरदान को लेकर शंका जताई। तब व्यास जी ने गांधारी को आश्वासन देकर 100 कुंड या 100 घड़े की मांग की। फिर उन्होंने मांस पिंडों को ठंडे जल से सींचने को कहा। सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। फिर उन 100 टुकड़ों को अलग अलग रखी हुई घी से भरी कुंड के अंदर रखकर ढक दिए। 2 साल बाद गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ जंगल में पांडु की मृत्यु के बाद कुंती हस्तिनापुर लौटी 5 पांडवों के साथ। तब तक युधिष्ठिर 16 साल का हो चुका था। व्यास जी भी हस्तिनापुर आई और सुने कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को राज अभिषेक करने की बजाय ये सलाह कर रहे हैं कि युधिष्ठिर के बाद कौन राजा बनेगा। इस बात से व्यास जी गंभीर चिंता में पड़ गए। फिर अपनी माता सत्यवती के पास पहुंचे। सत्यवती तब अपनी पोते पांडु के मृत्यु शोक से बेहोल थी। व्यास जी अपने माता से कहे, माँ अब तुम्हारे सुख के समय बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। अतः तुम यहाँ से चलो और तपवन में योग का आश्रय लो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। सत्यवती से सहमत हुए और अपनी 2 पुत्र वधुए अंबिका और अंबालिका के साथ हस्तिनापुर छोड़ के व्यास जी के साथ चल दिए तपवन की ओर। महाभारत कथा में वेद व्यास कोई मुख्य चरित्र नहीं थे, लेकिन हर एक महत्वपूर्ण घटना के पूर्व या पश्चात उनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर, व्यास जी ही सबसे पहले इस स्वयंवर की कथा पांडवों को बताए थे, और फिर ये विवाह के बाद जब द्रौपदी के पिता ध्रुपद और द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न द्रौपदी के 5 पति को लेकर आपत्ति जताती है, वहां भी व्यास जाकर उन दोनों को मनाते हैं। जबकि महाभारत की दोनों ही पक्ष कौरव और पांडव उनके वंशज थे, लेकिन वे अधिकतर समय पांडवों के ही साथ थे। वैसे अच्छी तरीके से विचार करें तो पांडव उनके वंशज भी नहीं थे, क्योंकि पांडव पांडु के औरस जात नहीं थे। जिस दिन धृतराष्ट्र वारणावत में पांडवों को जला के भस्म करना चाहते थे, उस दिन से ही व्यास जी पांडवों के पक्ष में चले गए थे। जब युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ में नगर स्थापना के लिए यज्ञ किए, तब व्यास जी ने ही वहां मंगल मंत्र का पाठ किया।
यहाँ तक कि जब खांडवप्रस्थ बदल के इंद्रप्रस्थ हुआ, व्यास जी उस दिन भी राजसभा में अपने पुत्र सुखदेव और चार शिष्य के साथ मौजूद थे। इसके बाद जितने भी यज्ञ युधिष्ठिर ने किए, उनके अधिकतर में व्यास जी की उपस्थिति हमें दिखाई देती है। यहाँ तक कि जिस दिन श्री कृष्ण शिशुपाल का मस्तक छेद करते हैं, उस वक्त भी व्यास जी मौजूद थे उस सभा में। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यास जी ने पत्रकारिता का भी शुरुआत की थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच वे बहुत बार जंग के मैदान में गए थे देखने के लिए। इससे ये भी साबित होता है कि भारत की इस महान महाकाव्य सिर्फ उनकी कल्पना से निकली हुई नहीं थी। युद्ध के वक्त से ही शायद उनके दिमाग में ये कहानी को लिखने की विचार चल रहा था, इसीलिए ज्यादातर जगह में वे जाकर प्रत्यक्ष अनुभूति लेना चाहते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत बार कहा कि उदास ना होने को, क्योंकि जो भी उनके भाग्य में लिखा है वो होना ही है, कोई भी इस युद्ध को रोक नहीं पाएगा, लेकिन जीत उन पक्ष की ही होगी जो धर्म के साथ है। इसका मतलब व्यास जी अपने पुत्र को पहले से ही मानसिक रूप से सशक्त करना चाहते थे कि उनके हाथ में जीत नहीं आएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र अधर्म के साथ थे। व्यास जी बार बार ये कहते थे कि जंग कभी कोई बुद्धिमान राजा के राज धर्म नहीं हो सकता। राजा तभी बुद्धिमान कहा जाता है जब वे उलझन को कूटनीति से समाधान करता है। एक महान बुद्धिमान और सदा सतर्क राजा कूटनीति से ही प्रतिपक्ष को जीतता है, क्योंकि कूटनैतिक जीत की सबसे उत्तम है। युद्ध से मिली हुई जीत निकृष्ट होता है, क्योंकि युद्ध भूमि में बहुत सारी जानें हमें गंवाना पड़ता है। दोनों पक्ष के लोग ही यहाँ घायल होता है, विजयी पक्ष भी जंग के बाद आर्थिक संकट में पड़ता है। लेकिन जंग के लिए तैयार राजा का दंभ या अहंकार इस बात को देख नहीं पाता और वो जंग के तरफ भागता चला जाता है। व्यास जी ने युधिष्ठिर को भी बहुत सारे उपदेश दिए थे इस महायुद्ध के बीच। उनमें से एक था जब उन्होंने कहे थे कि मृत्यु अपरिहार्य अंग है जीवन के, मौत के बिना जीवन असंपूर्ण है। पृथ्वी में हर एक चीज जो पैदा होता है, अगर उनका विनाश ना हो तो नई पीढ़ी कभी शांति से रह नहीं पाएगा। वो ये भी कहते थे, शोक उनके लिए करो जो जिंदा है। इतनी गूढ़ तात्विक वक्तव्य उनके जैसे इंसान को ही योग्य है। अभिमन्यु के मौत के बाद ये सब युधिष्ठिर को शांत करने के लिए बोले थे, क्योंकि वे समझते थे युधिष्ठिर के ज्ञान को। लेकिन उन्होंने एक भी बात इस वक्त अर्जुन से नहीं कही, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अर्जुन इस वक्त दुखी से कई ज्यादा क्रोधी थे इस मौत को लेकर, और पांडव पक्ष को इस क्रोध की ही जरूरत थी। और नेता के तौर पर युधिष्ठिर को उस वक्त धैर्य की जरूरत थी। व्यास जी एक उत्कृष्ट शिक्षक थे, एक महान गुरु भी थे। हर एक परिस्थिति को वो अच्छी तरीके से समझते थे। जब कर्ण के हाथ घटोत्कच की मौत होती है, तब फिर से युधिष्ठिर भयानक क्रोधी हो जाते हैं और फिर कर्ण के तरफ आक्रमण के लिए चले जाते हैं, अपने क्षमता को ना जाने ही। यहाँ तक वासुदेव श्री कृष्ण भी उन्हें मना नहीं पाते हैं। फिर व्यास जी युधिष्ठिर के रथ के बीच खड़े होकर उन्हें रोकते हैं। फिर युधिष्ठिर को ये भी समझाते हैं कि अर्जुन को बचाने के लिए ये घटोत्कच की बलिदान बहुत जरूरी थी। व्यासदेव जैसे गुरु पाना भाग्य और सदाचार का फल होता है। इतनी विशाल महाभारत के रचयिता व्यास जी की जीवन गाथा इतनी विचित्र थी कि एक छोटी सी वीडियो में हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे उनकी उपलब्धि फिर से हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। व्यास जी महाभारत के बाद अधिकतर पुराण के भी रचना किए थे। वे महान इसलिए भी थे क्योंकि इंसान के मन को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते थे, लेकिन शायद वे एक आदर्श पिता नहीं बन पाए।
क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद भी वे अपने पुत्र धृतराष्ट्र को सुधार नहीं पाए। जो कोशिश धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र दुर्योधन के ऊपर किए थे। इस तरफ से देखने से वे दोनों ही पिता के रूप में अक्षम थे। महर्षि वेदव्यास की महाभारत समग्र मनुष्य जाति के लिए है। ये ग्रंथ सिर्फ मोक्ष लाभ के लिए नहीं है, यहाँ धर्म को कैसे निभाना चाहिए उनकी ज्ञान होता है। यहाँ से जैसे हमें ये पता चलता है कि कर्तव्य के लिए क्या क्या करनी चाहिए, उसी तरह ये भी पता चलता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लेकर कैसे एक महान गाथा की रचना की जा सकती है, उनकी उपलब्धि होती है। व्यास जी ने उस समय खड़े होकर जो कर गए थे वो आज भी किसी ने छू नहीं पाए। महाभारत को बहुत सारे पंडित ने ये कहा था कि ये एक गोरे लंबी नाक वाले आर्य जाति के गाथा है, मगर हम लोग अगर महाभारत को अच्छी तरीके से पढ़े तो हमें ये पता चलेगा ये बात सरासर झूठ है। महाभारत के रचनाकार खुद एक काले व्यक्ति थे। उनकी माँ सत्यवती भी सांवली थी, इसलिए उनका नाम भी काली थी। अर्जुन भी बाकी भाइयों से सांवले थे और उनकी पत्नी कृष्णा द्रौपदी भी सांवली थी। और सबसे ऊपर महाभारत के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति श्री कृष्ण भी काले ही थे। इस तरह से देखने से महाभारत तथा कथित काले लोगों की ही विजय गाथा है।